हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी के सैनी स्टडी पॉइंट में स्वागत। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों का ये सवाल था कि बीएड वाले जो छात्रों की परीक्षा है वो कब से स्टार्ट होंगी, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या बीएड वाले छात्र भी प्रमोट होंगे, जैसा कि बीएससी वाले, बीए वाले, बीकॉम वाले जो छात्र हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, तो वैसे क्या बीएड वाले जो छात्र हैं वो भी प्रमोट होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ इन सभी क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी विद्यार्थी चैनल या वीडियो पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चले दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है कि बीएड वाले छात्रों की परीक्षा होगी या नहीं। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि बीएड वाले छात्रों की जो परीक्षा है वो होगी, लेकिन सबसे पहले फाइनल की परीक्षा लगेगी, क्योंकि अभी इंटर्नशिप जो है फर्स्ट ईयर वालों की और सेकेंड ईयर वालों की वो अभी चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों की जो इंटर्नशिप है वो अधूरी है। तो पहले इंटर्नशिप भी आपकी होगी, परीक्षा भी आपकी होगी, तो सबसे पहले फाइनल ईयर वालों की परीक्षा होगी, क्योंकि जो रीट की एग्ज़ाम है वो भी लगने वाली है। तो सबसे पहले फाइनल ईयर वालों की परीक्षा होगी, उसके बाद में बीएड फर्स्ट ईयर वालों की परीक्षा होगी। लेकिन दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए अभी संशय बरकरार है, क्योंकि ये प्रमोट भी हो सकते हैं। जो न्यूज़ आई है मैं आपको वीडियो के अंदर बता देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के अंदर जो न्यूज़ आई है ये इस तरह की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि बीएड वालों की जो इंटर्नशिप है वो अटकी हुई है, प्रोविजनल प्रमोट पर भी कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटर्नशिप अटकी हुई है, प्रोविजनल जो प्रमोट है अर्थात अस्थायी जो प्रवेश होता है उस पर भी अभी कोई निर्णय नहीं है। आगे देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से बीएड के छात्रों की इंटर्नशिप अटक गई है। छात्र स्कूलों में इंटर्नशिप करने जाते थे, लेकिन स्कूलें बंद है, ऐसे में परीक्षाओं का भी कोई अता पता नहीं है। दूसरी ओर बीएड, ध्यानपूर्वक सुने, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, यहाँ पर तीन जो कोर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बीएड जो कि 2 वर्ष की होती है, बीएससी बीएड और बीए बीएड जो कि 4 वर्ष की होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो इन कोर्स में छात्रों को प्रोविजनल प्रमोट करने के मामले में भी अभी कोई निर्णय नहीं आया है। जैसा कि दोस्तों, राजस्थान के जितने भी कॉलेजेज हैं, अन्य कॉलेज, उन सभी में विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर प्रमोट कर दिया उनको प्रोविजनल रूप से, और उनका जो अस्थायी प्रवेश है वो भी शुरू हो गया है। आज 18 तारीख हो गई है और उनका प्रवेश भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, बीएड, बीएससी बीएड वालों का, बीए बीएड वालों का अभी कोई प्रोविजनल प्रमोट पर कोई निर्णय नहीं आया है, आप देख सकते हैं। तो अभी निर्णय नहीं आने की वजह से जो छात्र हैं वो असमंजस के अंदर हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी निर्णय आएगा हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, एक खुशखबरी ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षा संकाय की डीन डॉक्टर प्रतिमा प्रमिला दुबे ने को लेकर सरकार को पत्र लिख दिया है। पत्र के अंदर आपको प्रमोट करने की जो खबर है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, बीएससी बीएड और बीए बीएड फर्स्ट ईयर जो वाले हैं उनको प्रमोट करने के लिए पत्र लिख दिया है। फिर बाद में उनकी जब भी परीक्षा होगी उसकी भी मांग की है। तो दोस्तों, जो भी जानकारी होगी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जो भी न्यूज़ आएगी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।